अपन बात कर रहे थे एंगल्स की, तो यहाँ तक अपन ने बात कर ली। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ये जो वाइडेस वाली रेखा है इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे की साइड बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, ये वाइडेस वाली रेखा जो है इसको थोड़ा सा पीछे की साइड बढ़ा दो। ये लो, अगर ये वाइडेस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाइडेस। क्लियर है? हाँ जी। अब ये जो यहाँ पॉइंट पी लिया था अपन ने, ओडेस और पी के बीच की पोजिशन वेक्टर अपन ने कितना लिया था, आर वेक्टर है ना, तो इस आर वेक्टर की वाली लाइन को भी क्या करो, थोड़ा सा पीछे की साइड बढ़ा दो। ओके, अब देखो इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, अगर ये एंगल 90 माइनस लेमडा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस लेमडा। क्लियर है? अब देखो, अब अपने पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला एंगल बच गया, ठीक है। एक्स डेस की अपन बात करेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि अपने को दो डायरेक्शन चाहिए, एक तो जो तल के लंबवत हो और एक जो तल को स्पर्श करती हो। अब यहाँ पे एक्स डेस और वाई डेस दोनों ही क्या कर रही हैं, तल को स्पर्श कर रही है, और लंबवत कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ पे एक्सिस है, जेड डेस है, ठीक है। इसलिए अपन ने इस वाई डेस को ले लिया और एक्स डेस को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। हाँ जी, अब अपन निकालेंगे इस ZS और ये जो R वाली लाइन को पीछे की ओर बढ़ाया था इसके बीच एंगल निकालेंगे। अब एक चीज़ देखो, ये जो ZS है ये O को पीछे बढ़ाया तभी तो आई, ठीक है, इस O सेंटर को पीछे की ओर बढ़ाया तभी तो ZS आई। एक देखो, अब ये वाली अक्स डैस, ये जो इस R को पीछे बढ़ाया, सॉरी ये वाली जो लाइन है इस आर वेक्टर को पीछे की ओर बढ़ाया तभी तो आया, आया कि नहीं आया। देखो, अब अगर ये एंगल लैम्डा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल क्या हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, अगर डायग्राम समझ में नहीं आया तो आप यूँ मान लेना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस पॉइंट के अंदर। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ओ ओ डेस पी, ठीक है। क्यों लेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को इस ये जो आर वेक्टर है इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। किसकी वैल्यू चाहिए, इस आर वेक्टर की वैल्यू चाहिए। इसके लिए अपने को ट्रायंगल क्या लेना पड़ेगा, ओ ओ डेस पी, ठीक है। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, कोस थीटा की, निकाल लो। तो फिर कोस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, ओ डेस पी अपॉन ओ पी, ठीक है। ओ डेस पी की वैल्यू देखो आप लोगों के पास क्या है, ओ डेस पी ये कितना है, आर वेक्टर है, ठीक है। ओ पी की कितनी है, यहाँ पे अपन ने वो कैपिटल आर लिया था ना, ये वाला है। तो चलो, अब मेरे को वैल्यू इसकी चाहिए आर वेक्टर, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे काम आएगी, तब देखना। आर कोस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये बिंदु जो पी है ना, ये लेमडा अक्षांश पर कोण पर है, ये जो बिंदु पी है ये लेमडा कोण पर है। अब अपन देखते हैं ओमेगा डैश और ये जो आर वेक्टर है, इन दोनों के बीच घटक निकालेंगे, ठीक है। अब इस ओमेगा वेक्टर का घटक निकालेंगे तो किस किस एक्सिस के बीच निकलेगा, एक्सिस ही अपन ने दो लिए तो दो एक्सिस के बीच ही निकलेगा, एक तो निकलेगा वाई डेस और एक निकलेगा जेड डेस के बीच। ऐसे ही जब अपन इस आर की बात करेंगे तो एक बार तो निकलेगा किसके सापेक्ष, माइनस वाई डेस, और एक बार जेड के सापेक्ष, ठीक है। घटक की बात कर रहे हैं, देखो आ जाओ, अब सबसे पहले अपन निकालते हैं ओमेगा वेक्टर का। तो ओमेगा वेक्टर के द्वारा वाई डेस और जेड डेस अक्ष के साथ बनाए गए कोण क्या क्या हैं, देखो वाई डेस ओमेगा वेक्टर के द्वारा वाई डेस व जेड डेस
के साथ। बनाए गए कोण क्रमशः क्या क्या है? अब देखो, ओमेगा वेक्टर का वाई डैश के सापेक्ष कोण क्या बनाया गया है? देखो, लैम्डा बनाया गया है, और इस ओमेगा वेक्टर का जेड डैश के सापेक्ष कितना एंगल बनाया गया है? 90 माइनस लैम्डा। तो लिख दो लैम्डा व 90 माइनस लैम्डा है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे अपन? तो देखो, आप लोग घटक निकालते हो तो कैसे करते हो? ये कोई ए वेक्टर है अपने पास, ठीक है, और ये रेखा इस नीचे, ये जो ए वेक्टर है इस नीचे वाली रेखा के साथ थीटा कोण बनाता है, ठीक है। घटक कैसे निकालते? देखो, ये ए वेक्टर ले लिया अपन ने, ये ए वेक्टर की लाइन जो है ये नीचे वाली लाइन के साथ क्या करती है? थीटा कोण बनाती है। अब अगर क्या करें, अगर इसका इसके सापेक्ष अपन घटक निकालेंगे तो क्या आएगा? ए वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, यही आएगा, ठीक है। देखो, इसका इसके सापेक्ष इस लाइन का घटक निकाल रहे हो तो क्या किस में आएगा? कोस थीटा में आएगा। किस में आएगा? कोस थीटा में आएगा। तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मोड कोस थीटा। इसी तरीके से अपन इस ओमेगा वेक्टर का वाई डैश और जेड डैश के सापेक्ष निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वाई इस ओमेगा वेक्टर का इस रेखा के सापेक्ष अगर अपन घटक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा वेक्टर कोस लैम्डा आएगा कि नहीं आएगा? ओमेगा वेक्टर का मोड कोस लैम्डा। तो क्या लिख दोगे आप लोग इसको? ओमेगा वेक्टर कोश लैम्डा। इसी तरीके से इसका क्या कर दोगे? ओमेगा वेक्टर मोड कोश 90 माइनस लैम्डा, ठीक है। आ जाओ, अब इसको अपन लिखते हैं। देखो, ओमेगा वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास? ओमेगा वेक्टर कोस लैम्डा और प्लस ओमेगा वेक्टर कोस 90 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? ओमेगा कोस लैम्डा, मोड हटाओगे तो वेक्टर भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा कोस लैम्डा। अब एक चीज़ और देखो, ये किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? लैम्डा वाई डैश के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो वाई डैश के सापेक्ष यूनिट वेक्टर क्या होती है? वाई डैश की जे कैप डैश होती है। तो यहाँ पे लिख दो ओमेगा कोस लैम्डा जे कैप डैश, यहाँ पे भी लिख दो भाई ये जे कैप डैश, और यहाँ पे लिख देना के कैप डैश। तो इसकी क्या आ जाएगी? ओमेगा कोस, हाँ जी, ये कोस 90 माइनस लैम्डा है। कोस 90 माइनस लैम्डा किस में चेंज हो जाता है? साइन में। किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो ओमेगा साइन लैम्डा की कैप डैश, ठीक है। ये अपन ने घटक निकाले किसके? इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ओमेगा के। और किसके सापेक्ष निकाले? वाई डैश और जे जेड डैश के सापेक्ष, ठीक है। इसी तरीके से अपन इस आर वेक्टर के निकाल लेते हैं, उसी वाई डैश के सापेक्ष और जेड डैश के सापेक्ष। पर याद रखना, इसमें ये जो वाई डैश है ना, ये नीचे की ओर आया है, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर भी क्या हो जाएगा? जे कैप डैश, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप डैश, ठीक है। इसी तरीके से अपन इसका घटक निकालते हैं। देखो, हाँ जी, इस आर वेक्टर का जेड के सापेक्ष कितना एंगल बना रहा है? लैम्डा बना रहा है। ये देखो, आर वेक्टर का इस जेड के सापेक्ष यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल है? जेड डैश है, सॉरी लैम्डा है। तो इसको क्या लिख दोगे? अच्छा जी, इसको क्या लिख दोगे आप? आर वेक्टर, सॉरी, हाँ, अपन पहले जेड पे क्यों जा रहे हैं? पहले अपने को वाई डैश का निकालना है ना। तो कैसे करोगे? माइनस
y डैश का है तो कितना एंगल बना रहा है, देखो 90 माइनस लैम्डा। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, r वेक्टर कोश 90 माइनस लैम्डा। देखो माइनस j कैप डैश, ये लो जी, हाँ जी, प्लस अब ये r वेक्टर इसके सापेक्ष z डैश के सापेक्ष कितना बना रहा है, लैम्डा बना रहा है। तो इसको फिर क्या लिख दोगे, r वेक्टर कोश, r वेक्टर का मोड कोश लैम्डा कौन सी डायरेक्शन में है, k कैप डायरेक्शन में है। तो ये अपना क्या आ जाएगा, r वेक्टर इक्वल, ये माइनस का है ना, तो ये लो माइनस पहले लगा दो और r मोड है तो वेक्टर हट जाएगा, तो r cos 90 माइनस लैम्डा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन लैम्डा, और j कैप डैश साथ चलता रहेगा। तो चलो, और ये क्या हो जाएगा, r cos लैम्डा k कैप डैश, इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं अपन 3। अब क्या करेंगे, देखो ये अपन ने घटक निकाले, हाँ जी, ये अपन ने क्या किया, घटक निकाले। अब अपन क्या करेंगे, घूर्णी तंत्र हेतु त्वरण रूपांतरण समीकरण आप लोग जानते हो कि क्या होती है। अब इस डायग्राम को हटा दो, अपने कोई काम नहीं है इस डायग्राम का, अच्छा जी, इक्वेशन 2 को रख लो और इक्वेशन 3 को रख लो। चलो जी, अब घूर्णी निर्देश तंत्र हेतु त्वरण का रूपांतरण समीकरण आप लोग जानते हो, अपन ने पीछे निकाला था, जो क्या होता है, ए वेक्टर डैश इक्वल ए माइनस टू एम माइनस टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और माइनस ओमेगा क्रॉस ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर क्रॉस, ओके। इसको इक्वेशन नंबर दे देना आप 4। अब क्या बात करते हैं, यदि पिंड स्थिर है, यदि पिंड स्थिर है, यहाँ पे सॉरी आर वेक्टर नहीं है, यहाँ पे है वी वेक्टर डैश। देखो जी, अब आप लोगों को पता है यदि पिंड स्थिर होता है तो उसके ऊपर आप जितना भी वेलोसिटी लगाओगे वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, कब, जब पार्टिकल रेस्ट एट रेस्ट में है तब क्या करोगे, उसके ऊपर वेलोसिटी जब लगाओगे तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ स्थिर वस्तु पर और स्थिर जो वस्तु होती है उसके ऊपर कौन सा त्वरण कार्य करता है, कौन सा एक्सेलरेशन काम करता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन काम करता है। ठीक है, जब कोई भी पार्टिकल रेस्ट मोशन में है तो उसके ऊपर ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या करता है, काम करता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी अपने पास स्थिर हो गई तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा काम करेगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब क्या कह देंगे अपन, ए वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, जी। ठीक है, दो कंडीशन अपन ने यहाँ पे देखी है, एक तो वी वेक्टर डैश इक्वल 0, कब, रेस्ट की अवस्था में। ठीक है, अगर रेस्ट है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, जी होगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, हाँ जी, अब जानते हो आप पी जो है वो लैम्डा अक्षांश के ऊपर कोण बनाता है। ठीक है, अगर वो लैम्डा अक्षांश पे बनाता है तो ए लैम्डा ए वेक्टर डैश इक्वल क्या आ जाएगा, जी
लैम्डा, ठीक है। ए वेक्टर डैश इक्वल क्या आ जाएगा, जी लैम्डा। हाँ जी, अब आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि ये यहाँ पे जी जो है ना वो क्या है, वास्तविक त्वरण है, ठीक है। ये जो जी है ये क्या है, यहाँ पे वास्तविक त्वरण है। और जी वेक्टर डैश जो है, जी वेक्टर लैम्डा जो है वो कौन सा है, आभासी त्वरण है। ये कितना हो गया अपना, आभासी त्वरण है। क्लियर है यहां तक। अब क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, a माइनस टू, यहाँ पे v वेक्टर डैश इक्वल जीरो है, तो ये पूरी वाली टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। हाँ, अब इस a वेक्टर की जगह वैल्यू ये रखो, g वेक्टर रख दो, माइनस जीरो, और इस वाली इक्वेशन को u का u पुट कर दो, माइनस ओमेगा क्रॉस, ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर क्रॉस, सॉरी आर वेक्टर, ठीक है जी। अब अपन क्या करेंगे, अरे हाँ, साथ में ये भी तो चल रहा है ना, इसकी जगह क्या पुट कर दो, ये जी लैम्डा, ये लो जी लैम्डा इक्वल जी माइनस क्या आया अपने पास, ओमेगा वेक्टर क्रॉस, ओमेगा वेक्टर क्रॉस और आर वेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन दो से ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे और इस इक्वेशन तीन से आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो कर देते हैं, तो जी लैम्डा इक्वल जी माइनस, इस ओमेगा क्रॉस को एक बार आप यूं का यूं रख लो, ये दोनों वैल्यू पहले पुट करते हैं, देखो क्या आ जाएगी अपने पास, ओमेगा वेक्टर की वैल्यू है आप लोगों के पास ओमेगा कोस लैम्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश। ये तो अपन ने वैल्यू पुट कर दी किसकी, ओमेगा वेक्टर की। अब अपने पास एक आर वेक्टर और है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर इसको क्या करेंगे अपन, सोल्व करेंगे कि क्या आता है अपने पास। देखो इस r वेक्टर की वैल्यू और यहाँ पे अपन क्या कर दें, पुट कर देते हैं, चलो गुणा माइनस r साइन j कैप डैश प्लस r कोश लैम्डा k कैप डैश, पुट कर दी। हाँ जी, अब इसको अपन कर लेते हैं सॉल्व। चलो जी लैम्डा इक्वल जी माइनस ओमेगा। अब क्या करेंगे, ओमेगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको, कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो चलो कर देते हैं। इसको पहले इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, ओमेगा आर कोस लैम्डा और साइन लैम्डा, ठीक है। तो अपन कैसे लिखें इसको, ओमेगा आर कोस लैम्डा और साइन लैम्डा, ठीक है। साथ में क्या है, जे कैप डैश मल्टीप्लाई जे कैप डैश, क्लियर है यहाँ तक, सॉरी हाँ ये माइनस का जी कैप डैश है भाई, ये लो जी, ठीक है। अब देखो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कर दें ओमेगा आर, ओमेगा आर यहाँ पे भी कोस लैम्डा है, यहाँ पे भी कोस लैम्डा है, तो इसको क्या कर दो, कोस स्क्वायर लैम्डा, यहाँ पे क्या है जी कैप डैश मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है की कैप डैश, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इस वाली टर्म को इस वाले से मल्टीप्लाई करो देखो यहाँ पे देखते हैं अपन,
प्लस लगा के इस वाले टर्म को इस वाले से मल्टीप्लाई करो, तो कर दो ओमेगा आर। यहाँ पे भी साइन लेमडा है, यहाँ पे भी क्या है साइन लेमडा है, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर लेमडा। यहाँ पे क्या है के कैप डैस मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस का जे कैप डैस। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ओमेगा आर साइन लेमडा कोस लेमडा दोनों ही क्या है के कैप डैस मल्टीप्लाई के कैप डैस। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो जी, अब आप लोगों को पता है कि आई कैप डैश इक्वल कितना होता है जीरो होता है, कितना होता है जीरो होता है, और ऐसे ही के कैप डैश मल्टीप्लाई के कैप डैश इक्वल कितना होता है जीरो होता है। अब एक कंडीशन और आ जाए, जे कैप डैश और के कैप डैश कितना हो जाएगा, जे के बाद के, कहने का मतलब I, J, K, सीक्वेंस वाइज चल रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और अगर मान लो ये देखो J के बाद K आता है तो J के बाद K है, तो किस में चेंज हो जाएगा ये इसे I कैप में, तो कर दो किस में आएगी पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। चलो ठीक है, अब अपने पास एक चीज़ और है, ये देखो K कैप डैश मल्टीप्लाई माइनस जी कैप डैश, के कैप डैश और ये माइनस जी कैप डैश, कहने का मतलब विपरीत डायरेक्शन में हो गए दोनों। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग इसको, आई कैप डैश किसका माइनस का, किसका लिख दोगे माइनस का। तो चलो अब ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि अपने पास क्या आता है। जी लेमडा इक्वल जी वैक्टर माइनस ओमेगा वैक्टर क्रोस, हाँ जी जे कैप माइनस जे कैप जीरो हो गया तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये पूरी वाली टर्म क्या हो गई जीरो। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, अब ये देखो प्लस जे कैप डैश के कैप डैश, ठीक है, तो ये वाली टर्म अपनी आएगी ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा, जे कैप डैश के कैप डैश कितना है यहाँ पे आई कैप डैश, ये लो लिख दिया। अब प्लस में अब देखो ये वाली टर्म जो है के कैप डैश और के कैप डैश, ये भी पूरी वाली क्या हो गई जीरो हो गई, ठीक है, बची कौन सी ये वाली, तो इसको क्या लिख दोगे आप ओमेगा आर साइन स्क्वायर लैम्डा आई कैप डैश और ये प्लस में जीरो। हाँ जी ठीक है, ये क्या हुआ के और जेड, ठीक है ये क्या हुआ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आर साइन स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। हाँ जी, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखो, तो अपने पास इक्वेशन कौन सी बच जाएगी, या फिर इसमें से क्या कॉमन ले ले पहले ओमेगा सॉरी कोस स्क्वायर लेमडा और साइन स्क्वायर लेमडा अपन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो फिर अपना क्या बचेगा देखो क्या कर ले, यहाँ से क्या कॉमन ले ले अपन जी लेमडा इक्वल जी माइनस ओमेगा क्रोश, ठीक है, तो ओमेगा आर और आई कैप डैश कॉमन ले ले तो ठीक है, ओमेगा आर आई कैप डैश अपन ने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, अपने पास बचा क्या फिर कोस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा, इसकी वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है वन होती है, तो आप लोगों के पास जी लेमडा की वैल्यू कितनी बच गई जी माइनस ओमेगा वेक्टर क्रोश ओमेगा आर आई कैप डैश। क्लियर है? अब इस ओमेगा वेक्टर की जगह अपन फिर से इक्वेशन टू या थ्री से
वो जो भी ओमेगा वेक्टर की वैल्यू है उससे अपन क्या कर देंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और फिर उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलो जी करते हैं इसको सॉल्व, क्या आता है देखिए अपने पास। हाँ जी अच्छा जी, अब ये करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।